हेलो फ्रेंड्स, वाओ इंडिया वाओ में आपका वेलकम है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी को कौन नहीं जानता। हमारे चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथपुरी का मंदिर और हम कहां ठहरे हैं ये भी हम आपको जानकारी देंगे। हमारे पास एक बालकनी है, इधर एक बालकनी है। यहाँ हमने पूरा घर ले रखा है। ये यहाँ पे हमारी किचन है। इस तरह से ये मैंने हमें सामान दिया हुआ है। ये हमें फ्रिज दिया हुआ है और ये है हमारी किचन और जिसमें बनाई है मैंने अभी पकौड़ियाँ और अब बनाऊँगी मैं इसमें। और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं अपनी कुकर के आटे पकौड़े जो कि मैंने अभी बनाई है दही के साथ, क्योंकि इनके फास्ट चल रहे हैं। ये इन्होंने हमें इस तरह की किचन दे रखी है, फ्रिज दिया है और एक बेड। ये इधर बाथरूम और ये हमें एक बेडरूम दिए। फ्रेंड्स, हमारे फ्लैट के बिल्कुल ही पास ही है समुद्र और मैं सुबह सुबह तैयार होकर निकल आई हूँ। इतने फैमिलीज मेंबर सब तैयार हो रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा बीच घुमा देती हूँ, फिर हम जाएंगे जगन्नाथपुरी टेंपल के दर्शन करने। फ्रेंड्स, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित जगन्नाथ भगवान का यह मंदिर जो हमारे चार धामों में से भी एक है, इसके दर्शन करने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। फ्रेंड, मंदिर के बारे में बहुत ही रोचक तथ्य हैं जिनकी जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। फ्रेंड, मंदिर परिसर के बाहर हम पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा, बेल्ट, पर्स, मोबाइल कोई भी अलाउ नहीं है, तो हम आपको मंदिर की वीडियो भी बाहर से ही दिखाते हैं। जगन्नाथ के इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई बाल भरत और छोटी बहन सुभद्रा तीनों के साथ ही विराजमान हैं। मूर्तियों को 12 साल में एक बार बदला जाता है। मूर्ति बदलने के समय पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी देह का त्याग किया था तो उनका एक हिस्सा पंचतंत्र में विलीन नहीं किया गया था। वो था भगवान श्री कृष्ण का हृदय और वो हृदय आज भी यहाँ पर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर विराजमान है। 12 साल में जब मूर्तियों को बदला जाता है तो वो धड़कता हुआ दिल निकाल कर दूसरी मूर्ति में रखा जाता है और उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मुख्य मंदिर की शिखर पर लगा हुआ ध्वजा रोज ही बदला जाता है। शाम के समय पुजारी ध्वजा को बदलते हैं और ध्वजा बदलने के लिए पुजारी मंदिर पर सीधा ना चढ़कर उल्टे चढ़ते हैं। कहते हैं अगर किसी कारणवश कभी झंडा ना बदला गया तो 18 साल के लिए मंदिर बंद कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमेशा किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी के भी गुंबद के ऊपर हमेशा पक्षी दिखाई देते हैं बैठे हुए, लेकिन जगन्नाथ टेंपल के ऊपर आज तक कभी भी किसी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखा गया है। जब आप मंदिर में सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं तो समुद्र का शोर बहुत सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आपको मंदिर के अंदर बिल्कुल भी शोर सुनाई नहीं देता। समुद्र का शोर एकदम से शांत हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ प्रभु जी के मुख्य मंदिर पर लगी हुई ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत ही लहराती है। मंदिर में एक बहुत बड़ी रसोई है जिसमें खाना आज भी परंपरागत तरीके से बनाया जाता है, लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों में। कहते हैं एक जगह चूल्हे पर आग जलाई जाती है और उसके ऊपर 7 बर्तन रख दिए जाते हैं। उन 7 बर्तनों में खाना बनता है
और सबसे पहले खाना सबसे ऊपर वाले बर्तनों में तैयार होता है और जिसके नीचे आग जल रही होती है उस बर्तन में खाना सबसे लेट तैयार होता है। ये भी एक वैज्ञानिक शोध का विषय रहा है कि ऐसा कैसे हो जाता है। मंदिर में लाखों भक्त आ जाएं, खाना कभी कम नहीं पड़ता और शाम होते ही खाना ख़त्म हो जाता है और कभी भी खाना वेस्ट नहीं जाता। फ्रेंड, मंदिर परिसर में बनी हुई रसोई में 500 रसोइये और उनके 3 सहकर्मी मिलकर भगवान का प्रसाद बनाते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन है, कम से कम 5-6 घंटे में जाकर हमारा आज नंबर आएगा, पर हम भी प्रभु जी के दर्शन तो ज़रूर करेंगे, चाहे हमें आज पूरा दिन ही क्यों न लग जाए। जेठ माह की पूर्णिमा को साल में एक बार भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, तब 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को खाने पीने में फल दवाइयाँ और काढ़े दिए जाते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और तब भगवान अपने जगन्नाथपुरी में अपने रथ पर बैठकर भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के इतने चमत्कार हैं कि अगर हम आपको बताने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाए। फ्रेंड्स, दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब हम आपको घुमाते हैं लोकल मार्केट। फ्रेंड्स, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये क्या चीज है? काजू। देखो ये कच्चे काजू। फ्रेंड्स, हमारा यह ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार।